प्रदेश के चुनावी चरण के पांचवें चरण का कानपुर मतदान संपूर्ण हुआ। यहां लोगों ने भारी मात्रा में आगे आते हुए मतदान करने में सहयोग दिया, जिसमें से महिलाएं एवं लड़कियां भी अग्रसर रहीं। कानपुर में हुए पांचवें चरण के मतदान में लोगों ने बाहर से आकर भी मतदान करा, किंतु चुनाव आयोग की लापरवाही के चलते जो लोग गत वर्षों से मतदान करने आ रहे हैं उनका वोटर कार्ड होने के बावजूद मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं था, जिससे लोग अपने मतदान के प्रयोग से वंचित रहे एवं उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी। कानपुर के कई क्षेत्रों में इस समस्या का रूप सामने आया, जहां पर कई लोगों ने इसकी शिकायत भी की कि नहीं आएगा, आपका नाम नहीं है तो आपका वोट नहीं पड़ेगा। ये तो ठीक बात नहीं है क्योंकि वोटर आई डी यहाँ दिक्कत ये है कि एक आया है, पांच में एक आया है, वो नहीं पढ़ रहा है, कोई नंबर ही नहीं दे रहा है, पर्ची नहीं मिली है। जिन्होंने वोट डाले हैं उनके भी अबकी बार वोटर लिस्ट नाम कट गए हैं, ये निर्वाचन आयोग की गलती है, इस पर हम कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं। किंतु प्रशासन की प्रशंसनीय व्यवस्था के चलते कोई भी अराजक तत्वों की घटना सामने नहीं आई एवं ना ही अंजाम तक पहुंच सकी। कानपुर के सभी क्षेत्रों में मतदान सही रहा एवं संपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। हम पता करके आपको बताते हैं, आपको बताते हैं क्या हो सकता है ना, क्योंकि हम इतने वोट अगर नहीं पड़ेंगे तो फिर हमारे लिए भी लॉस होगा। अभिषेक सोनी के साथ शिवा दीक्षित की रिपोर्ट, लाइव उत्तर प्रदेश कानपुर।